अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रुई सेब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट फॉरेन लूप। फॉरेन लूप को ही आज हम डिस्कस करेंगे। फॉरेन लूप बेसिकली यूज़ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को लूप थ्रू करने के लिए। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट डिफाइन है या हमने डिक्लेयर किया है, तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको लूप थ्रू करने के लिए, कि एक बार वो लूप से पास हो हमें पता चले कि उस ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसके लिए हम लोग फॉरेन लूप को यूज़ करते हैं। द ब्लॉक ऑफ कोड इन साइड द लूप विल एग्जीक्यूटेड वंस फॉर ईच प्रॉपर्टी। जो भी हम इस लूप की बॉडी में जो भी कोड लिखेंगे, ब्लॉक ऑफ कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा एक बार हर प्रॉपर्टी के लिए। यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके लिए वो एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। सो फॉरेन लूप के अगर सिंटेक्स को देखें तो इसके लिए हम लोग फॉर एज अ कीवर्ड जो हम यूज़ करते हैं फॉर लिखेंगे, और इसके बाद पेरेंथेसिस आएंगे जिसमें वेरिएबल नेम, और उसके बाद इन कीवर्ड यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट का नेम बताएंगे जिस ऑब्जेक्ट को फॉरेन लूप के थ्रू हमने पास करना है, और फिर इसकी स्टेटमेंट और ब्लॉक टू एग्जीक्यूट, यानी कि हम यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो बेसिकली हमें इसमें क्या चाहिए, दो चीज़ें, एक वेरिएबल और एक ऑब्जेक्ट। वेरिएबल हमें क्यों रिक्वायर्ड है? वेरिएबल हमें इसलिए रिक्वायर्ड है कि उसने आइट्रेट करना है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। और ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए? जिसके ऊपर हम फॉरेन लूप लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें स्पेसिफाइड एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि आइट्रेटेड फॉर्म में आइट्रेट होगा। इसकी जो एग्जांपल है इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने एक बटन लगाया है जिसके ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर माई फंक्शन जो है वो मैंने कॉल किया है, और एक पैराग्राफ है जिसमें हम राइट करवाएंगे जो भी इस जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इस पैराग्राफ में राइट होंगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई टी के थ्रू। तो जो फंक्शन है उसको समझते हैं। फंक्शन में हमने एक वेरिएबल जो है ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया है। ऑब्जेक्ट क्या है? पर्सन है। उसका फर्स्ट नेम और जो है वो डिफाइन किया है, लास्ट नेम और उसकी एज जो है वो बता दी है। तो ऑब्जेक्ट की हमारे पास तीन इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं। एक वेरिएबल टेक्स लिया है और इसको एम्प्टी रहने दिया है, और एक वेरिएबल एक्स लिया है। तो एक्स हम यूज़ करेंगे लूप थ्रू के लिए, कि हमने जो अभी पीछे देखा था कि एक्स हमने जो है वो लूप थ्रू के लिए करना है, कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर से हमने पास करना है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। तो इसमें हम यूज़ करेंगे फॉर एक्स इन पर्सन। अब जो टेक्स्ट हमने एम्प्टी स्ट्रिंग देने दी थी, तो जो पर्सन जब आइट्रेट होगा तो उसकी फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो टेक्स्ट में आ जाएगी, एक्स जो वेरिएबल है उसमें स्टोर होकर टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगी। देन जो एक्स है वो सेकेंड वैल्यू के लिए आइट्रेट होगा जो कि हमारे पास लास्ट नेम है, और इसकी जो वैल्यू होगी फिर वो टेक्स्ट में आ जाएगी, वो प्रिंट हो जाएगी। देन जो थर्ड है, एक्स का जो इंडेक्स है वो नेक्स्ट में आ जाएगा एज के ऊपर, तो एज वर्ग की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगी और इस तरह वो प्रिंट करेगा। तो हमने लास्ट में क्या किया है, टेक्स्ट जो हमारे पास वेरिएबल था इसको हमने राइट करवा लिया है। इसको सेव करते हैं और इसके आउटपुट चेक करते हैं। तो मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट में उसकी प्रॉपर्टीज थी वो सारी यहाँ पर राइट हो गई हैं। सो फॉरेन लूप को यूज़ करते हुए हम ऑब्जेक्ट की जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें हम लूप थ्रू कर सकते हैं। Thank you.